हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश, जहां 60% आबादी युवा शक्ति से लैस है। उस युवा शक्ति का बेहतर इस्तेमाल कर देश को दुनिया की स्किल्ड कैपिटल बनाने के लिए भारत सरकार महत्वाकांक्षी स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत देश में कई स्किल बेस्ड स्कूल चल रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो स्किल बेस्ड स्कूल और कॉलेज अपने यहाँ ट्रेनिंग देने के बावजूद 60-70% डिग्री और डिप्लोमा धारक युवाओं को नौकरी के लिए तैयार नहीं कर पाते, यानी उन्हें रोजगार पाने के लायक नहीं बना पाते, क्योंकि ज्यादातर युवाओं के पास क्वालिफिकेशन तो होती है, लेकिन बाजार की डिमांड के मुताबिक वो स्किल्ड नहीं होते। मगर अब ऐसा नहीं होगा। युवाओं के सामने आ रही इस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने पहल करते हुए राज्य की पहली स्किल यूनिवर्सिटी यानी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को सन 2016 में स्थापित किया। इस यूनिवर्सिटी और इसके पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी श्री राज नेहरू को दी गई, जिन्हें इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। श्री नेहरू के नेतृत्व में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री की भागीदारी के साथ महज 6 महीने में ही ऑफ कैंपस मॉड्यूल के तहत अनेक कोर्स शुरू किए, जहां युवाओं को उनकी प्रतिभा के मुताबिक कौशल विकास यानी स्किलिंग की सिर्फ डिग्री ही नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें नौकरी पाने के लायक बनाया जाएगा। अर्न बाय लर्न की अनूठी संकल्पना यानी यूनिवर्सिटी में सीखे भी और साथ में पैसे भी कमाइए का प्रारूप तैयार कर उसे शुरू किया गया। अर्न बाय लर्न योजना के मुताबिक विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा कौशल आधारित इंडस्ट्री में कोर्स के दौरान ही पेड ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, यानी ट्रेनिंग भी होगी और मेहनताना यानी स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके साथ ही आरंभ की गई ऑन कैंपस मॉड्यूल के तहत शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना। कक्षा 9 से शुरू होने वाले इस अनोखे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अपने स्किल के बढ़ते स्तर के आधार पर कौशल में PhD भी कर पाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। स्किल के स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेन्ड टीचर्स और फैकल्टी यूनिवर्सिटी का हिस्सा होंगे। इसके लिए दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज और कंपनियों से अनुबंध की तैयारी है। इसके अलावा श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में परंपरागत कौशल के साथ साथ गैर परंपरागत कौशल क्षेत्र जैसे देसी नृत्य, आर्ट, योग, बुनाई को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी विश्वविद्यालय के प्रारूप को हकीकत की जमीन पर तैयार करने के लिए हरियाणा के गांव दुधौला में 82 एकड़ की भूमि को चुना गया, लेकिन स्किल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए दुधौला गांव की भूमि का ही चयन क्यों? इसका जवाब छिपा है पलवल के मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2031 में, जिसके मुताबिक पृथला गांव और उसके आसपास के पलवल के इलाकों का विकास होना है। इसमें पहले से ही ज्यादातर एरिया इंडस्ट्रियल है, जिनका और विकास होना है। दुधौला गांव की विशालकाय भूमि पर उभर रही श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का जर्रा जर्रा अपने आप में अनूठा है। इसकी शुरुआत होती है इसके नाम से, विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार और दिव्य तकनीकी जानकार माने जाते हैं। विद्यार्थियों में उसी कौशल को पैदा करने के उद्देश्य से कौशल विश्वविद्यालय के नाम में विश्वकर्मा का समावेश किया गया। अब बात विश्वविद्यालय की संरचना की। आसमान से देखने पर विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और प्रशासनिक परिसर रथ की तरह नजर आएगा। आखिर रथ की डिजाइन में यूनिवर्सिटी क्यों? महाभारत के युद्ध में एक दिव्य रथ पर ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की पवित्र भूमि पर ज्ञान का वो संदेश दिया था जिसने अर्जुन की जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। रथ को जीत और सफलता का मूल आधार मानकर ही विश्वविद्यालय को ये अनोखा आकार दिया गया है। आशय ये है कि जिस तरह दिव्य रथ पर बैठकर अर्जुन ने कला कौशल से जीत हासिल की, उसी तरह रथ रूपी इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी कला कौशल के जरिए जीवन में जीत हासिल करें। ये देखिए,
इस संकल्पना को दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी में कला कौशल के संकायों की इन 6 शानदार इमारतों को अर्जुन के रथ में जुते घोड़ों की तरह दिखाया गया है, जबकि उसके मध्य में स्थित हाईटेक पुस्तकालय को रथ के सारथी श्री कृष्ण की तरह ज्ञान और विज्ञान का केंद्रीय आधार माना गया है। प्रशासनिक ब्लॉक और ऑडिटोरियम को ज्ञान रूपी रथ के 2 संतुलित पहिए माना गया है, जो विश्वविद्यालय को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में संतुलन प्रदान करेंगे। इन सब के बीच विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही मुख्य अहाते के बिल्कुल मध्य में सुशोभित होगी भगवान विश्वकर्मा की भव्य मूर्ति, जो इस अनोखे रथ रूपी ज्ञान कुंज के निर्माण की अनोखी वास्तुकला डिजाइनिंग कौशल का प्रतीक बनेगी। इन सब के बीच स्काईवॉक की अनोखी परिकल्पना और इको फ्रेंडली यूनिवर्सिटी का मॉडल इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाता है। स्काईवॉक मुक्त गलियारों की ऐसी परिकल्पना है जिसमें विश्वविद्यालय के सभी कौशल शिक्षण संकायों से लेकर अकादमिक संकाय और ऑडिटोरियम सभी आपस में इस तरह जुड़े रहेंगे, जिनमें घूमने पर प्राकृतिक वातावरण के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस का शानदार नजारा तो दिखेगा ही, दूसरी ओर ये एक ही गलियारा लोगों को हर संकाय हर शैक्षणिक इमारत तक पहुंचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बन रही श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी का संपूर्ण निर्माण 3 चरणों के तहत करीब 10 साल में पूरा होना है, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत करीब 425 करोड़ की लागत से 4000 से ज्यादा बच्चों के लिए 1,25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में शैक्षणिक और स्किल ट्रेनिंग सुविधाओं का विकास किया जाना है। इस चरण को मार्च 2020 तक पूरा होना है, जिसके अंतर्गत 9 से 12 की कक्षा के लिए कला कौशल का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग युक्त फीडर स्कूल। इस फीडर स्कूल में सिर्फ परंपरागत पढ़ाई नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप उन्हें स्किल की चरणबद्ध ट्रेनिंग मिलेगी, यानी रुचि आधारित विशेष शिक्षा। इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप बनाई गई सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग, जिसमें हाईटेक कंप्यूटर सेंटर और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस, जिसमें भागीदार इंडस्ट्रीज अपनी अत्याधुनिक तकनीक से विद्यार्थियों को रूबरू कराएंगी। विद्यार्थियों को तरोताजा रखने के लिए कैफेटेरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हेल्थ सेंटर की व्यवस्था होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम बनाए जाएंगे। ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर, जिसमें स्किल म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शानदार छात्रावास, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को अंगीकार करते हुए 50% भागीदारी लड़कियों की होगी। कमरों वाला गेस्ट हाउस, जिसमें होगी डाइनिंग और कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी भी। विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत इको फ्रेंडली संकल्पना के आधार पर तैयार किया जाना है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर के कुल भूभाग का करीब 70% हिस्सा पेड़ पौधों और हरियाली से सजा होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय को ऐसे डिजाइन किया गया है जहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने को प्रेरित हों। और आसमान से देखने पर ये हरित क्षेत्र अनोखा एहसास कराए। सभी इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक उपयोग हो सके।
इमारतों में तापरोधन के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त डबल ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्लास के आगे सूरज की सीधी किरणों को रोकने के लिए स्पेशल लूवर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हर इमारत के निर्माण में इको फ्रेंडली गुणवत्ता युक्त ग्रह के मानकों पर आधारित मटेरियल का इस्तेमाल होगा। अकादमिक और आवासीय परिसरों को अलग अलग करने के लिए 8 एकड़ का घना हरित क्षेत्र प्लान किया गया है। समूचे विश्वविद्यालय में जल संरक्षण आधारित तकनीक पर बने फिक्स्चर्स का इस्तेमाल होगा। समस्त भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। बिजली संरक्षण के लिए LED लाइट के साथ स्मार्ट लाइटिंग का इस्तेमाल होगा। विश्वविद्यालय में बिजली की जरूरत के लिए हर बिल्डिंग की छत और दक्षिणी दीवारों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में ऑटोमेटिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिसके शोधित पानी को टॉयलेट की फ्लशिंग और हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इन सभी विशिष्ट मानकों को मिलाकर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को नेट जीरो कैंपस बनाया जाएगा। बढ़ते भारत, चमकते भारत, विकसित भारत और स्किल्ड भारत की संकल्पना को हकीकत के पंख लगाने का अनूठा आगाज है ये, इसमें कोई शक नहीं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का बदलती दुनिया के साथ बदलते और मजबूत भारत के निर्माण में अहम योगदान रहेगा, जिसे देख पूरी दुनिया कहेगी, कौशल भारत, कुशल भारत, दिव्य भारत, विकसित भारत।